Hi mommies and daddies, welcome back to Momcom India. While pregnancy एक बहुत beautiful journey है, but ये बात भी सच है कि first trimester of pregnancy में miscarriages होना भी बहुत common है. ऐसा क्यों होता है उस detail में तो हम नहीं जाएंगे, but हम अपनी तरफ से क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हम ये miscarriage avoid कर सकें, उस बारे में हम इस video में बात करेंगे. अगर आपको ये video helpful लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share कीजिएगा और like button भी ज़रूर hit कर दीजिएगा. Now let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होना ये हमारी बॉडी का डिसीजन होता है. हमारी बॉडी एक नेचुरल डिसीजन लेती है कि ये प्रेगनेंसी ठीक नहीं जा रही है या ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है या ये प्रेगनेंसी ही ठीक नहीं है और इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना चाहिए और उस केस में ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो ही जाता है. बट दूसरा सिनेरियो भी होता है जहाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना है पहले ट्राइमेस्टर में, जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं होता या हमें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लेट पता चलता है और वो कुछ गलतियाँ हमसे हो चुकी होती हैं जिस वजह से मिसकैरेज हो सकता है. तो पहला पार्ट तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल फिनोमेना है. बट दूसरा पार्ट कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम मिसकैरेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें, उसके बारे में अब बात करते हैं. इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इनफैक्ट आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहला टिप है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई हैवी वेट्स मत उठाइए. देखिए, हम लोग घर के भी इस टाइम पे बहुत काम कर रहे होते हैं, एक पानी की भरी हुई बाल्टी भी उठाना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हमारी प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर आपका एक बच्चा ऑलरेडी है, उसको गोदी में उठाना या उसके साथ इस तरीके से खेलना, वो भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. और फिर अगर आपका कोई वर्क प्रोफाइल ऐसा है जहाँ आपको हैवी चीज़ें उठानी पड़ती हैं तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है. तो कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल मत कीजिए. दूसरा, आप क्या खा रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, जैसे कि पपीता, पाइन एप्पल, कोल्ड मीट. बाहर से आप कोई चीज़ें मत खाइए, स्पेशली रॉ चीज़ें तो आप बिल्कुल मत खाइए. रॉ सैलड्स हो गए, रॉ मीट्स हो गए, वो बिल्कुल मत खाइए. और अंडर कुक्ड चीज़ें भी मत खाइए, यानी अंडा भी अगर आप खा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो. हाई मर्क्यूरी फिश भी आपको इस टाइम पर नहीं खानी है. प्रेगनेंसी में बहुत सारी फूड क्रेविंग्स होती हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का हाइजीनिक प्रॉपरली पका हुआ खाना ही खाएँ. तीसरा टिप है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. बिल्कुल लाइट वॉक आप कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड करे तो, बट कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत कीजिए. हम लोग अपने वेट को लेके शुरू से इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे ही हमें पता चला प्रेगनेंसी है हम इमीडिएटली अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दें, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये टाइम नहीं है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा, रनिंग या जिम, जो भी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको नहीं करनी है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और लाइट वॉकिंग करनी है. नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सेक्स को अवॉइड कीजिए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा टाइम होता है जहां आपकी प्रेगनेंसी फॉर्म हो रही होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट. नेक्स्ट, आपको अल्कोहल और स्मोक और ड्रग्स को टोटली नो बोलना है. अगर आप सेकेंड हैंड स्मोक भी लेते हो तो वो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. जैसे अगर आपके हस्बैंड या घर में कोई और स्मोक कर रहे हैं और आप सिर्फ उसे इनहेल कर रहे हो तो वो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस में लीड कर सकता है. नेक्स्ट, आपको अपने कैफीन इनटेक को चेक करना है. आइडियली रिकमेंडेड होता है कि आप इस दौरान बिल्कुल भी कॉफ़ी का इनटेक ना लें और चाय को भी मिनिमाइज कर दें टू मैक्सिमम 1 कप इन अ डे. नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपने सारे ब्लड टेस्ट और सारे अल्ट्रासाउंड्स डॉक्टर की दी हुई टाइमलाइन पे ही कराइए. इससे काफ़ी पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है या नहीं. कुछ चीज़ें जो आपके लिए रिस्क हो सकती हैं जैसे थायराइड होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, ब्लड क्लॉटिंग होना, आपका सर्विक्स वीक होना या फिर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल होना जो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, ये सारी बातें आपको इसी टाइम पर पता चल जाती हैं, जिससे कि ये भी पता चल जाता है कि मिसकैरेज होने के चांसेज हैं या नहीं. अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर्स उसके लिए दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिससे फिर आपका रिस्क कम हो जाता है. बट पता लगाना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें तो थायराइड है नहीं तो हमें कैसे हो सकता है, बट प्रेगनेंसी होते ही आपकी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं कि आपको थायराइड डायबिटीज़ उस टाइम पर शुरू हो सकता है. नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए. इट इज़ अ बिग नो नो. एक सिंपल सी सर दर्द, लूज मोशन की दवाई भी आपको डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी है. प्रेगनेंसी में जो हम नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं
वो उस दौरान हमारे लिए सेफ नहीं होती हैं, इसीलिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप अपने वेट को वॉच कीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो बेटर है कि आप ओबेसिटी लेवल पे ना हो, आप अपने वेट को कम करें, एक हेल्दी वेट लेवल पे आके फिर प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ें, क्योंकि ओबेसिटी भी एक रीज़न होता है मिसकैरेज होने का। नेक्स्ट, आप अपनी बॉडी के साइंस को समझिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूजुअली काफ़ी हार्ड होता है बिकॉज ये प्रेगनेंसी की फॉर्मेशन ट्राइमेस्टर माना जाता है। इस टाइम पे एक्सेस वीकनेस होना, थकान हो जाना, नौजिया होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, खाने से टोटली ऑफ हो जाना, ये बहुत ही कॉमन है। आपको अपने बॉडी के साइन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। कई बार हमारे साथ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है बट हम फिर भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम काम करे जा रहे हैं एंड देन फिर वो कॉम्प्लिकेशंस पे लीड करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप अपने फैमिली मेम्बर्स से लीजिए, बिकॉज यही टाइम है जहाँ आपकी प्रेगनेंसी एक बार फॉर्म हो जाती है तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो वो पूरी प्रेगनेंसी में कई बार चलती रहती हैं। नेक्स्ट, SOS साइंस पे इमिजिएटली डॉक्टर को कॉल कीजिए। अगर आपको अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, जैसे पीरियड्स जैसी पेन आपको होनी शुरू हो गई है, या फिर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखती है, तो इमिजिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। कई बार ये मिसकैरेज का साइन होता है बट कई बार ये बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही होती है जिसको दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है, बट अगेन द की इज़ दैट आप टाइम पे अपने डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करें। एंड लास्ट, मैं आपको यही बोलूंगी कि कोई भी अगर सप्लीमेंट्स आपके स्टार्ट होने हैं तो मेक श्योर आप वो सप्लीमेंट्स टाइम पे स्टार्ट करें। कई बार स्ट्रेस लेवल्स को देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए डॉक्टर्स कुछ प्रेगनेंसी सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिनको लेना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर लें। और अपनी डाइट का, अपने रेस्ट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत अच्छी डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, आपको जब नींद आए सो जाएं, डॉक्टर के साथ टच में रहें, और इस टाइम पे एक्सरसाइजेज या कोई भी हैवी एक्टिविटीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। आपके पास सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत टाइम है टू कवर अप विद ऑल ऑफ दैट। अभी अपनी प्रेगनेंसी को पक्का होने दें। तो ये सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक रहे। जो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी अल्टीमेटली होता वही है, बट देन वी ऑलवेज हैव टू कीप आर होप ऑन एंड वी हैव टू डू आर बिट टू इंश्योर दैट हमने कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम कम इंडिया।